इस टाइम ब्यास में मौजूद हाँ जिते एक बहुत ही दुखदायी खबर कह लीए सामने आ रही है। पवित्र गुटका साहब से जिहड़ी बेअदबी की गई है हिंदी में जिहड़े गुटका साहब की बेअदबी हुई है ब्यास के करीब रेलवे स्टेशन के सामने जिहड़े अंग खिलारे गए ने। मौके पर गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कमेटी के भाई बलबीर सिंह जी भी मौके पर पहुँच चुके ने। गल कर लिए पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट भी उस वे हरकत में आया है। डी एस पी बाबा बकाला मौके पर जोड़े मौजूद ने उन्होंने भी गलबात करते हैं। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। रेलवे स्टेशन के बैकसाइड ये जो मंदभागी घटना हुई आ, नितनेम साहब का गुटका हिंदी के गुरु गुटका साहब के अंग पाड़ के अलग अलग जगह छोटे छोटे टुकड़े करके किसी ने खिलारे। तो जिवें ही पता लगा संगतां नूं सारे एकत्र हो गए, तो इस वेले सर्च कर रहे हैं, काफ़ी अंग लभ गए हैं। सत्कार नाल असीं उन्हां नूं गुटका साहब परमाला साहब के रख्या होया वा जी, बल्कि बाकी भी सर्च कर रहे हैं। बहुत ही किसी ने माड़ा काम किया तो दोषियों नूं सज़ा पुलिस वालों तो अकाल पुरख वालों आप। पर एक गल इत्थे सवाल जरूर उठता है कि पंजाब विच एक कौन शरारती अंसर ने जो इस तरह दीआं घटनावां फैला के पंजाब दा माहौल जिहड़ा खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये थोड़े समय तो नहीं बहुत ज़्यादा समय तो यहोजी घटनावान जोड़ा अंजाम दिता जा रहा है। तो परसों एक शख्स वालों इतने देखा जाता है और गुरु घर वालों गुरु घर के उसनों इनफॉर्म किया जाता है कि मैं रात को इस तरह बेअदबी गुटका साहब की देखी है। तो कल जोड़ा इतने लोकल गुरुद्वारा साहब उसके अंग फड़ाए जाते हैं, पर अज जब सवेरे आकर वेख्या जाता है तो होर भी जोड़े अंग काफ़ी वही गिनती खिले हुए मिलते हैं। मौके पर जोड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कमेटी के भाई बलबीर सिंह मुछल जी जोड़े मौके पर पहुँचते हैं, अपनी टीम के नाल आके मौके का मुआयना कर रहे हैं। गलबात करते हैं भाई बलबीर सिंह मुछल जी नाल डी एस पी बाबा बकाला साहब नाल। हाँ जी बाबा जी, जी अज मंदभागी घटना हुई है, कहोगे अज असी जदों एक पत्रकार वीर ने फोन किया कि भाई साहब जी स्टेशन के उपर गुटका साहब जो हिंदी के नेतने वाला है वो खिलारिया होया है। तो इतों के नाल ही गुरद्वारा सिंह सभा के ग्रंथी सिंह होना ने भी आण के कुछ अंग कत्र करके कुछ असी हुण अंग कत्र किए ने। यह बड़ी दुखदाई घटना है, ये घटनावां बड़े लंबे समय तो पंजाब दे विच वापर रहीआं ने। कारण यह बन गया कि जिहड़े अज भावें पंजाब दे विच प्रेसां लाईआं होईआं ने प्राइवेट श्रोमणी कमेटी ने भी ये धन गुरु ग्रंथ साहिब ते गुटका साहिब ते बिल्कुल पाबंदी ला देनी चाहिए छपाई ते। तो जिथे जिथे कई दुकानदार भी भाव के वेच रहे ने, कोई ड्रैस नहीं होना जो हिंदी का गुटका साहब का निरादर हो गया है। ये हुण परचा 295 का ला करा देवे, तो वध ते होर कुछ नहीं। जदों सानू यह पता कि घटनावां बड़े लंबे समय तो वापर रही ने, तो श्रोमणी कमेटी संस्था नूं जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई ते नाल ही गुटका साहिबां की छपाई ते जिहड़े दुकानदार दुकानां ते वेच रहे ने उन्हां ते बिल्कुल पाबंदी ला देनी चाहीदी सी। पर अजे तक कोई श्रोमणी कमेटी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया। जिहड़ी आह घटना वापरी है ये क्योंकि स्टेशन के जिहड़े अंदर चमकी है उत्थे हुण FIR दर्ज करवाई जा रही है, क्योंकि किसी ने वेख्या नहीं आ। FIR दर्ज हो जाणी आ, भाव के इहदियां धारावां दे विच वी अजे तक असीं सोध नहीं करा सकदे जथेबंदियां, क्योंकि 295 धारा जे किसी बंदा फड़िया भी जाता तो उन्हें तो जे चौथे दिन जमानत करा लेंदा, जमानत तो बाद फिर सज़ा होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि यदि मंजूरी लैनी पैंदी 295 की राजपाल चंडीगढ़ तो, वो पता नहीं देवे कि ना दे। तो उस तो बाद मेरी ये संगत को बेनती है हाथ जोड़ के कि आओ आप सुचेत होइए तो सारे हमला मारीे, कला सत्कार कमेटी का काम नहीं या गुरु घर दी प्रबंधक कमेटियां का काम नहीं, ये सारे दे फर्ज बनते हैं। आपू अपने फर्जा से उतर के, क्योंकि जेडे दुष्ट ने ये महाराज की पवित्र गुरबाणी का निरादर किया उन्होंने सलाखों के अंदर ही सुटना चाहिए। कोई इतने कैमरा नहीं मिलया कि स्टेशन तो बहुत वड्डा है, कोई कैमरा नहीं, जो कैमरा हुंदा कैमरे च क्लीयर हो जाना सी कि बंदा किन्ने किया है। लगता पंजाब दे विच अग लाउण दी चाल आ जी जिहड़ी पंजाब दी शान। कोई एजेंसियां जिहड़ियां वा कि नहीं जिहड़े पंजाब कोई कई डेरेदार एजेंसियां ने, कई डेरेदार जिहड़े आ उन्हां दे जिहड़े संचार जे हुंदे ने सेवादार मनण वाले वो भी कई इदां दीआं घटनावां करदे ने कि सिख कौम भड़के। एक ना रेलवे स्टेशन दे बैक साइड ते झाड़ियां ने, इतने सानू हुणे अपने बलबीर मुछल जी ने सत्कार कमेटी के जिहड़े प्रधान ने उन्होंने फोन किया कि इतने हिंदी विच गुटका साहब के कुछ अंग मिट्टी नाल लिबड़े हुए थे, पुराने मिले उन्होंने फटा फटिया हुआ, उस संबंध में मैं पहुँचा मौके पर पहुँचा, मैं SHO साहब पहुँचे ने, अपने मुछल जी साढ़े नाल ने,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।